नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के पर्व के विषय में बताऊंगा। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं और हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान शंकर की लिंग के रूप में उत्पत्ति भी हुई थी। इस दिन हमें प्रातःकाल स्नान कर भगवान शिव के मंत्र स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, उनपे जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान शंकर के जो है प्रिय वस्तु जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल, बिल्व पत्र और अर्क धतूरा आदि वस्तुएं भगवान शंकर को अर्पित करें और भगवान शंकर के मंत्र स्तोत्रों का पाठ करें। घर के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप व्रत भी कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट, चप्पल, जैकेट आदि नहीं पहननी चाहिए और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करें और चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपको जो है लाभ मिलेगा। स्वयं रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो विद्वान पंडित जी से अवश्य करवाएं और भगवान से प्रार्थना करें सभी का कल्याण हो। और कल 18 फरवरी शनिवार को शिवरात्रि का पर्व है और मंदिरों में जाएं, भगवान से प्रार्थना करें सबके मंगल के लिए। जय माता दी।